इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सीधी कांड पर बात करने के लिए। सर, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? आरोपी तो देर रात गिरफ्तार हो गया है, कुछ पूछताछ में उसने बताया आपका? रात को ही उसको गिरफ्तार कर लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तत्काल ही एनएसए की कार्रवाई उस पर करने का बोल दिया है। घटना घृणित है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इसलिए तत्काल कार्रवाई उस पर कर दी। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इस पर भी बुलडोजर चलेगा, इसके संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा? जैसे भोपाल में एक कांड हुआ था जिसमें एक लड़के को कुत्ता बनाया गया था, कुछ ही घंटों में वहां बुलडोजर चल गया, इस पर आपका बुलडोजर चलेगा? अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? अगर कोई भी इस तरह का विषय आता है तो कार्रवाई तो पुलिस करती है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है या कानून का राज है। एक नैरेटिव बन जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बुलडोजर जो है वो धर्म विशेष पे पहले जल्दी चल जाता है, दूसरों पे नहीं, इस पे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें ना, इसमें ये नैरेटिव है वो अपने आप टूट जाएगा। अभी इंदौर में चला है, वो क्या नैरेटिव उस पर था क्या? ऐसा नहीं है। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और साफ कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन तो जरूर होगा। कैमरामैन अमरीश के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।